हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट राइट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटस की काउंसलिंग के बारे में कि कैसे क्या प्रोसेस होता है पूरा डिस्कस करेंगे अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत बोले और जो भी आपका ओपिनियन है या आप कुछ जानना चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो हम इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है लेकिन सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी शुरू से लेके आखिरी तक आप इसको धैर्य से देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए काउंसलिंग के बारे में ठीक है तो बढ़ते हैं वीडियो में तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी आई टी एस काउंसलिंग कटो ठीक है कि काउंसिलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ठीक है दोस्तों तो बेसिकली जो जनरल कैटेगरी के, के बच्चे हैं उनके अगर थर्टी थ्री मार्क्स है यानी अगर उनके तैंतीस नंबर है वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर तैंतीस नंबर से कम है ठीक है तो जनरल कैटेगरी का बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर तैंतीस नंबर या उससे ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसे ही ओ और जनरल ई डब्ल्यू एस का दिया है ट्वेंटी नाइन पे और एस सी एस टी और पी एच कैंडिडेट्स के लिए बीस नंबर रखा गया है काउंसलिंग कट का ऑफ है ये ठीक है काउंसलिंग में वे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके नंबर तैंतीस से ज़्यादा या बी उनतीस से ज़्यादा या बीस से ज़्यादा कैटेगरी वाइज है जनरल का है तो उसके तैंतीस से ऊपर होने चाहिए और जो ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस का है उसके ट्वेंटी नाइन और एस सी एस टी पी एच वाड़ा बीस अगर इनके इतने मार्क्स हैं वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर इससे कम है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ठीक है दोस्तों शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि काउंसिलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है अब बात करते हैं हम काउंसलिंग फ़ीस के बारे में दोस्तों जो काउंसिलिंग फ़ीस होगी वो एक हज़ार रुपये है ठीक है दोस्तों और आप जितनी भी काउंसलिंग में भाग लोगे फ़ीस सिर्फ एक बार ही जमा होगी आप कितनी भी काउंसलिंग में उससे आगे भाग ले सकते हैं ठीक है अगर आपका किसी कारण किसी कॉलेज में नंबर नहीं आता है तो आपको एक हज़ार रुपये वापस नहीं मिलेगी ठीक है दोस्तों ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ और जो काउंसलिंग फ़ीस है जब आप बाद में फ़ीस जमा करोगे जब आपका एन में एडमिशन हो जाएगा ठीक है जो भी आ, आपकी वहाँ पर फ़ीस होगी उसमें से काउंसलिंग के फीस मतलब माइनस कर देंगे ठीक है अब बात करते हैं काउंसलिंग मतलब कितनी बार होगी तो काउंसलिंग कितने फेज है तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा काउंसलिंग के बेसिकली मैन तो तीन ही फेज है फर्स्ट फर्स्ट फेज सेकंड फेज और थर्ड फेज और स्पोर्ट एक स्पोर्ट राउंड होता है जिसमें जो खाली सीटें बच जाती है बाद में तीन जो तीन फेजज होने के बाद जिस कॉलेज में जितनी सीटें बच जाती हैं खाली उस पर फिर स्पोर्ट राउंड होता है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर ठीक है फिर आप इंस्टीट्यूट को चॉइस करेंगे बेसिकली पांच इंस्टीट्यूट चॉइस करने होते हैं ठीक है आप वो चॉइस करेंगे फिर आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी एक दोस्तों ये सभी के लिए एक है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो जनरल का हो ओ बी का हो एस सी या पीएच कैंडिडेट कोई भी हो गर्ल्स बॉयज सभी के लिए सेम है फिर आपको जब आप कॉलेज चॉइस करने के बाद फिर फीस जमा कर दोगे काउंसलिंग की उसके बाद आपको डायनेमिक रैंकिंग यानी जोन से कॉलेज जो आपने चॉइस किया है उसमें बेसिकली आपकी रैंकिंग शो करेगी आपकी पोजिशन कितनी है सीट के अकॉर्डिंग कितनी सीट है और आपका नंबर कितने उस पर दिखा रहा है इससे आपको पता लग जाएगा कितने चांस आपके आने के हैं या नहीं ठीक है बेसिकली जब आपने चॉइस फाइनलाइज कर दी उसके बाद ऑटोमेटिक वो जैसे अगर दो दिन का टाइम मिलता है आप उसमें बीच में चार बार चेंज कर लो लेकिन फाइनल टाइम पे जब तक चॉइस फॉर्म चलेंगे दो दिन का टाइम होता है तब तक जो लास्ट में आप फाइनल करोगे वो ही मैन फाइनल होगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि आपने शुरुआत में पांच कॉलेज अलग डाले थे फिर आपने थोड़ी देर बाद जो बाद में पांच कॉलेज डाले हैं ना तो बाद वालों के अकॉर्डिंग होगा ऐसा नहीं कि शुरुआत वाले तो आपको बदल बदल के देखना है कि इसमें आपकी रैकिंग सही बैठ रही है उस हिसाब से कॉलेज चॉइस करनी है ठीक है जब आपको इंस्टीट्यूट अलाउड हो जाएगा आपके जो इमारसाइन के हिसाब से आपको जो इंस्टीट्यूट मिलेगा फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट लेके प्रोविजनल एडमिशन के लिए नियरेस्ट आईटीआई जाना एन एस जाना होगा ठीक है जैसे ही आपने काउंसलिंग में पांच इंस्टीट्यूट चूज किए उसके बाद मेट लगा के ठीक है उसके बाद आपको जो भी कॉलेज मिला उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो नियरेस्ट एन एस हो वो मैन हो या मैन हो कोई भी हो ठीक है तो आपको वहाँ जा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे बेसिकली दोस्तों वे, वेरीफाई करा के फिर आप आगे जो ट्रांसफ़र के लिए है कि जैसे प्रोविजनल एडमिशन होगा उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में ट्रांसफ़र करा सकते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ठीक है दोस्तों और उसमें आपको क्या करना क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कापी दोनों लेके जाने हैं और उसमें जब आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेने जाओगे तो उसमें बेसिकली जो आपको इंस्टीट्यूट अलाउड हुआ है आपको वो लेटर निकलवा के वो भी लेके जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट की बात है मैं आगे वीडियो के लास्ट में बात करूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ठीक है प्रोविजनल एडमिशन के लिए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शन इसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है ठीक है कि पांच कॉलेज आपको चॉइस करने के लिए मिलेगी ठीक है और दो दिन का टाइम मिलेगा चो जैसे आपने काउंसलिंग चलेगी तो एक काउंसलिंग दो दिन चलती है जैसे आपने फीस जमा कर दी जैसे आज और कल साढ़े पाँच बजे तक बंद कर देते हैं उसमें आपकी रेंज दिखाता रहता है कितने कितनी पोजीशन आपकी इस कॉलेज में है तो आप चेंज भी कर सकते हो और जो फाइनल टाइम पर आप चेंज करोगे जो सबसे बाद में चेंज करोगे वही फ़ाइनल होगा ठीक है जब तक वेबसाइट मतलब जब तक काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग बंद नहीं होती है उसके दो दिन बाद रिजल्ट आता है ठीक है तो उसके बाद जो आपकी बेसिकली बात करें कुछ चीज़ों की जैसे आपको रैंकिंग दिखा रहा है ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको मान लेते पचास सीटें हैं और आपकी रैंकिंग दस दिखा रहा है उसमें दस नंबर पे हो आप तो ऐसा कंफर्म नहीं है उन्होंने लिखा है कि आपका नंबर आए ही ठीक है क्या पता बाद में बच्चों की संख्या वहाँ पर और बढ़ गई हो आपका नंबर इक्या उन हो गया हो तो कहने का मतलब यह ऐसा कन्फर्म नहीं है जो आपकी रैंकिंग दिखाएगा कि कन्फर्म आपको वही मिले ठीक है अब बात करते हैं काउंसिलिंग मेरिट लिस्ट ठीक है काउंसिलिंग मेरिट लिस्ट में होता क्या है काउंसिलिंग बेसिकली मेरिट का क्या होता है मेरिट अकॉर्डिंग लगती है सीट के ऐसा कंफर्म कुछ नहीं है कि साठ पे मेरिट लग गई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मेरिट का जो सिस्टम होता है मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं तीस सीटें हैं और वहाँ कुल चौबीस बच्चों ने अप्लाई किया है ठीक है और एक बच्चे का नंबर नब्बे है और एक बच्चे के नंबर चालीस है तो दोनों का एडिशन वहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे सीटें थी और तो आपका हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरिट सत्तर पे लगेगी पचास पे लगेगी ठीक है दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन की बात करते हैं जैसे मान लेते हैं आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ जाता है कोई भी कॉलेज जो भी आपको मिलता है उसके बाद आप nearest एन एस जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी और आपका वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा प्रोविजनल एडमिशन में बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है उसमें आपकी वहाँ पर फीस जमा नहीं होती ठीक है दोस्तों और प्रोविजनल एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा होता है प्रोविजनल एडमिशन जब आप लेते हो तो बेसिकली जब क्लास शुरू होगी मतलब आपका एडमिशन एक तरफ से कन्फर्म हो जाता है सीट आपकी कन्फर्म हो जाती है फिर आपको फाइनल टाइम जब जिस कॉलेज जोन सा कॉलेज मिला है आपको फिर वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट एक बार फिर वहाँ पे वेरीफाई होगी उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है ठीक है दोस्तों और प्रोविजनल एडमिशन का के बाद अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है तो आप ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है ट्रांसफ़र प्रोसेस होता क्या है इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे उसमें ठीक है तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी अगर आप देख ट्रांसफ़र पहले बात करते ट्रांसफर में जो ट्रांस ट्रांसफर प्रोसेस है इसमें कौन कौन भाग नहीं ले सकता अगर मान लेते हैं आपके नब्बे नंबर है आपने पहला जो स्टेज चूज़ किया कोई भी कॉलेज चूज किया प्राइवेट या गवर्नमेंट अगर आपका नंबर उसमें आ जाता है आप फिर चेंज नहीं करा सकते अगर आपने जो फर्स्ट एन एस टे चुनी है अगर आपको वही मिल जाए तो आप चेंज नहीं करा सकते यानी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप चूज करें जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसको ऊपर डाल लें भले उसमें आपकी रैंकिंग क्या शो करता है वो मायने नहीं रखता और नीचे वे डाल लें जिनको आप अलग प्रिफ्रेंस देना चाहते हैं उससे फ़ायदा ये होगा आप बाद में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर मान लेते हैं आप किसी का प्राइवेट आई टी ओ टी पहले नंबर पर डाल देते हैं और आपके चालीस नंबर है आपको तुरंत मिल गए मिल जाता है ठीक है अगर आपको तुरंत मिल जाता है तो क्या होगा फिर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी एन में किसी भी दूसरे कॉलेज में आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं हो ठीक है पहली चीज़ ये होगी दूसरी चीज चीज़ ये है अगर एक बार आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया मान लेते हैं मेरा एन चेंज नहीं आया मैंने एन कानपुर के लिए ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और मेरा ट्रांसफर एन कानपुर में हो गया तो उसके बाद दोस्तों मैं दूसरी बार ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता ठीक है दोस्तों आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी और जैसा हम ट्रांसफर प्रोसेस जो कंप्लीट होता है नो चेंज फॉर रिजर्वेशन रिजर्वेशन में भी कोई चेंज नहीं होता ठीक है रिजर्वेशन वो ही रहता है सेम अब बात करते हैं है, मेंची डॉक्यूमेंट की कि आपको प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो एक तो आपने जो काउंसिलिंग फीस जमा की है उसकी पेमेंट रिसिप्ट एक तो वो चाहिए दूसरा जो आपको इंस्टीट्यूट अलाउट हुआ है एक वो चाहिए वो आपको निकलवाने पड़ेंगे प्रिंट आउट और अकेडमिक सर्टिफिकेट एट टें जो 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 भी आपके पास है वो आपको लेके जाने हैं मार्क्स स्टेटमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग आईटीआई डिग्री डिप्लोमा अगर आपने आईटीआई किया है तो उसके डॉक्यूमेंट डिग्री की है तो उसके या डिप्लोमा किया है तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए ई सर्टिफिकेट अगर आप ई के कैंडिडेट है वो भी ज़रूरी है पी सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये भी चाहिए और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ठीक है दोस्तों तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पे प्रोविजनल एडमिशन में मेडिकल वगैरह जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चाहता ठीक है कैंडिडेट हु हैव गेट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू एन एस टी आई आई टी ओ टी फॉर क्लासेज ऑफ डे ओपनिंग बेसिकली आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए कब जाना है बेसिकली एन एच टी आई या बात करेंगे सैटेस्ट में सिर्फ दो दिन की छुट्टी होती है सैटरडे संडे ऑफ रहता है बाकी पाँच दिन कॉलेज खुला रहता है तो उसमें जाना है आपको नौ से पाँच तक खुला रहता है कॉलेज और फोटो कापी और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं ठीक है दोस्तों और स्पोर्ट राउंड की बात करें बेसिकली बाद में जब आपके तीन राउंड काउंसलिंग के ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जितनी भी सीट खाली होगी उसमें बेसिकली क्या होता है जो सीट बचती है बाद में न तो रिजर्वेशन का कोई चक्कर होता है जितनी सीटें बचती है डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बोलते हैं स्पोर्ट राउंड में ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेता है उसका ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं होता स्पोर्ट राउंड वाले के पास ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ मैं टेलीग्राम का ग्रुप दे रहा हूँ उसका लिंक नीचे दे दूँगा उसे ज्वाइन कर लेना आने वाले टाइम में आपको जो अपडेट है वो भी मिलती रहे और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा ठीक है दोस्तों और हाँ मैं बता दूँ जैसे आपका सेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर प्योटिडा आपको डब्ल्यू की किताब देख क्लास है वो देखने को मिलेगी जो सेट में पढ़ाया जाता है ठीक है अगर आपकी कोई भी क्वारी जो सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हो और एन एस चिन्ह के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद